सच्चाई ये है कि कांग्रेस का परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों इनसे नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है। इसलिए आज जब दलित, पिछड़े, आदिवासी शीर्ष स्थान पर जा रहे हैं तो इनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। हरियाणा भी इन्होंने दलितों को, ओबीसी को भागीदारी देने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को भी अपमानित किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी। हरियाणा भी वो यही करने जा रही थी। साथियों, कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित, ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपप्रचार किए, हमारे नौजवानों को भड़काया। इस साजिश को भी हरियाणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया। आज हरियाणा ने कांग्रेस को दो टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने एकजुट होकर वोट दिया, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और हर भारतीय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजिश को
सफल नहीं होने देंगे। भारत विकास के रास्ते से नहीं भटकेगा। साथियों, आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, जिस पर देशवासी गर्व करते हैं, कांग्रेस उस हर चीज की छवि को धूमिल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है।